बहू तुम मायके जा रही हो? हाँ जी। मैं भी साथ चलूंगी, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। बहू और मुझे अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, बस हमें नहीं पता क्यों हमारा घूमने का मन करता है, हम स्कूटियों पे घूमे, टैनिंग और हो जाती है। उठो बहू रानी, क्या सुबह की पड़ी हो बिस्तर पे, चलो गेड़िया मार के आते हैं, शॉपिंग भी करके आएंगे। बहू और मैं बाहर की हवा खाने जा रहे हैं, हमें देर हो जाएगी, खाना बना के रखना पापा जी। तुम बहू मायके से जितना लेके आती हो ना उतना वहाँ पे दे के भी आया करो, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया बेटा, वही बहुत है। मेरी बहू, मेरी दो बहनें हैं, दोनों की शादी होगी। मैं तो अपने बेटे को बोल रही हूँ कि बहू के माँ बाप को भी यहीं पे बुला ले, अपनी बच्ची के साथ रह लेंगे, बुढ़ापे में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। बहू ये वाली फोटो डालो अपनी, पर उसमें कपड़े थोड़े छोटे हैं। जिसकी सोच छोटी होगी ना उसको तो सब कुछ ही बुरा लगेगा। तोहफे और दहेज तो हमें देने चाहिए लड़की वालों को, जो उनके घर की रौनक अपने घर पे ले आते हैं। तूने कुछ कहा है बहू को? बहुत उदास लग रही है वो। नहीं तो? अच्छा तो ऐसा कर, तू उसकी पसंद के ना मोमोज लेके आई हो, और हाँ एक हफ्ते की छुट्टी ले अपने काम से। क्यों? ताकि तुम लोग घूमने जा सको। बहू मैंने इतना अच्छा हेयर स्टाइल सीखा है, आ जाओ तुम पे बनाती हूँ। ओ मेरी गुड़िया।